Let us study lesson number 4, book First Flight. Lesson number 4, book First Flight. From the diary of Anne Frank. Page number 48 from the diary of Anne Frank. Introduction is there. Annelies Mary Annie. Was a German-born Jewish girl who wrote while in hiding with her family and four friends in Amsterdam during the German occupation of the Netherlands in the World War Second. Second World War में जीवन बचाने के लिए hiding place में के बैठने का समय पॉइंट किया हुआ कुछ बातें अपनी डायरी में लिखी हुई ये सारी बातें ये थोड़ा सा एक पोर्शन वी हैव गिवन ए स्मॉल पोर्शन ऑफ द बुक. Total we can see the story of the diary of Anne Frank in a full books version. Here a small portion is given. Anne Frank aisi ladki hai marne ke baad bahut famous hogi. केवल सोलह साल ही इस दुनिया में रहने का मौका मिला है और उसके बारे में क्या लिखा है क्या है खुद ने क्या लिखा है देख लेते. पेज नंबर 50. Writing in a diary is really a strange experience for someone like me. मेरे जैसा लोगों को डायरी लिखना एक स्ट्रेंज बात है विचित्र बात है. हमें से कई लोग डायरी लिखते हैं किसी के बारे में कुछ लिखें वो डायरी में हो किसी में भी हो कैसा भी हो चीज़ कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी. खुद के बारे में जो भी लिखें वो ऑटोबायोग्राफी होता है. खुद के बारे में खुद लिखता है वो ऑटोबायोग्राफी और किसी के बारे में कोई और लिखे दैट इज़ कॉल्ड बायोग्राफी. ये तो अनी ने खुद खुद लिखा है सो वी कैन से दैट इट वॉज हर ऑटोबायोग्राफी. सो राइटिंग इन ए डायरी इज रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर बट आल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट लेटर ऑन नेदर आई नॉर एनीवन एल्स विल बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिंग ऑफ ए 13 ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल. वो इसलिए केवल मुझे नहीं है और पढ़ने वालों के लिए भी ये तो इंटरेस्टिंग नहीं होगा. म्यूजिंग मीन्स थिंकिंग. वो वेल इट डजंट मैटर कोई बात नहीं. आई फील लाइक राइटिंग
and I have an even greater need to get all kinds of things off my chest. मैं तो लिखी लिया वो इसलिए मेरी मन की बोझ कम कर सकता था. हम नॉर्मली वी से दैट वेन वी शेयर अवर फीलिंग टू अदर्स वी कैन रिड्यूस अवर रिग्रेट. हमारी बातों को दूसरों को सुनाते समय दिल हल्का हो जाता है कहता है, और इसलिए मैंने सोचा तो लिख लेता है. आई फील लाइक राइटिंग एंड आई हैव इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट. उसका पूरा मीनिंग है टू शेयर फीलिंग. मैं लिखने से मेरी फीलिंग दूसरे लोग समझ सकते हैं. कहते हैं ना बोझ हल्का करना. इसलिए मैंने डायरी लिखी. पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल. कागज को लोगों से ज़्यादा दम होता है. आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन वन ऑफ दोज डेज व्हेन आई वॉज फीलिंग ए लिटिल डिप्रेस्ड. जब मैं उन दिनों में जब उदास रहे तब मुझे ये सेइंग याद आ गई. विच सेइंग पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल एंड वॉज सिटिंग एट होम विथ माई चिन इन माई हैंड. मेरे चिन हाथ के सहारे रख के बैठी हुई थी तब मैंने ये बात सोचा. हाँ अधिक से अधिक हम निराश में पड़ जाते हैं तो बैठ के सोचते हैं. बैठ के सोचने का तरीका डिफरेंट है. तो मेरी तरीका यही था कि मैं चिन को हाथ में रख के बैठ गए. बोर्ड एंड लिस्टलेस बोरिंग हो गए. लिस्टलेस विदाउट एनर्जी कोई मज़ा नहीं आ रहे थे. वंडरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट. ये सोच के मैं घर पे रहूं या बाहर जाऊं. बस घर पे ही रहना उचित है. आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज ब्रूडिंग. ब्रूडिंग मीन्स वरिंग. जहाँ मैं बैठी हुई थी वह तो वहीं बैठी रही. क्यों? क्योंकि मैं बाहर नहीं जा सकती. आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज ब्रूडिंग. यस पेपर डस हैव मोर पेशेंस एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनी वन एल्स रीड दिस स्टिफ बैक्ड नोटबुक ग्रैंडली रेफर्ड टू एज ए डायरी अनलेस आई शुड एवर फाइंड ए रियल फ्रेंड. पेपर में ज़्यादा दम है. दैट मीन्स किताबों में ज़्यादा दम है. किताबों में बातें डीपली देखने को मिलता है. वो बहुत सारे लोगों तक पहुंचा देते हैं. हमें कहानी सुनाएं या कुछ सुनाएं तो कुछ लोग ही सुन पाते हैं, लेकिन किताब लिखें तो बहुत लोगों के पास पहुंच जाते हैं. वो पढ़ के उसका सीरियसनेस पता रहता है. फिर भी मैं इसमें लिखी हुई बात दूसरों तक पहुंचाना नहीं चाहती. जब तक मुझे एक सच्चा दोस्त नहीं मिले तब तक मैं किसी को देना भी नहीं चाहते. मैंने जो लिखी हुई बात जो डायरी का रूप में आए डायरी वो कहता है इट वॉज ए स्टिप बैक्ड नोटबुक. स्टिप बैक्ड मीन्स बैड कवर्ड नोटबुक. ग्रेजुअली रेफर्ड टू वॉज ए डायरी जिसको कॉमनली हम डायरी कहते हैं. डायरी देखा होगा. डायरी का कवर हमेशा तो भद्दा होता है, मोटा होता है, तगड़ा होता. लेकिन वो ख़राब वाला है तो और ख़राब लगेगा. ग्रैंडली ग्रैंडली मीन शान से रेफर्ड टू अस ए डायरी. लोग इसको शानदार तरीक़ा से डायरी कहते हैं.
मैं ये औरों को तब तक नहीं दूँ जब तक मुझे एक अच्छा दोस्त नहीं मिले, तो मैं ये धीरे धीरे डायरी में लिखी हुई बात को रिवील करने लग जाऊँ। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप ए डायरी इन द फर्स्ट प्लेस। आई डोंट हैव ए फ्रेंड। ज़्यादा फालतू बातें बोल के मैं समय बिताना नहीं चाहता हूँ चाहती हूँ। आई विल डायरेक्टली कम टू द पॉइंट। सीधे मैं पॉइंट में आना चाहूँगी। आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रॉम्प्टेड मी। प्रॉम्प्टेड मी मीन्स एनकरेज्ड मी टू कीप ए डायरी इन द फर्स्ट प्लेस। आई डोंट हैव ए फ्रेंड। मैं डायरी अपने पास रखने का या डायरी संभाल के रखने का कारण ही यही था क्योंकि मेरा कोई दोस्त नहीं थे, इसलिए मैंने उसको दोस्त मान के अपने पास रखा। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली। और क्लियरली बताऊँ, सिंस नो वन विल बिलीव दैट ये 13 ईयर ओल्ड गर्ल इज़ कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड, क्योंकि ये 13 साल की लड़की बिल्कुल अकेली है, कोई उसका मदद के लिए नहीं है, ये कहें तो लोग मानते नहीं हैं। एंड आई एम नॉट, मैं वैसे तो अकेली भी नहीं हूँ। आई हैव लविंग पेरेंट्स, मेरे अच्छे माँ बाप है, एंड ए 16 ईयर ओल्ड सिस्टर, 16 साल की एक बहन है, एंड देर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स। करीब 30 लोग वहाँ पर है जिसको मैं दोस्त कह सकता है, लेकिन इनको मैं सही दोस्त नहीं मानता। एक रियल दोस्त मुझे उसमें कोई नहीं मिला। आई हैव ए फैमिली, मेरा पूरा परिवार और है, लविंग आंट्स एंड ए गुड होम, और आंट से आंटी, आंटी यूं कहते हैं, आंटी शब्द होते नहीं इंग्लिश में, ये आंटी का इंग्लिश शब्द आंट्स, आंट बहुवचन आंट्स। और हमारा अच्छा एक घर भी है। नाउ ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग। हाँ, दिखते समय सब है, पापा है, मम्मी है, सिस्टर है, फैमिली मेम्बर्स है, घर है, सब कुछ है, लेकिन वो तो बाहरी रूप से दिखता है, लेकिन आंतरिक रूप में देखा जाए ये कोई मेरा काम का नहीं है। सरफस मीन्स अपसाइड, बाहर से। ऑन द सरफस आई सीम टू हैव एवरीथिंग। आप लोग बताएं, ये सुन के सब कुछ है, फिर मैं अकेली कैसी? एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, मेरा एक ट्रू फ्रेंड के अलावा बाकी कोई भी किसी काम का नहीं है। सो आई फील आई एम अलोन। ऑल आई थिंक अबाउट वेन आई एम विथ फ्रेंड्स इज हैविंग ए गुड टाइम। मैं ये सोचती हूँ सारे दोस्त अगर मेरे साथ है तो कितना अच्छा है। आई कैंट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग बट ऑर्डनरी एवरीडे थिंग्स। और कुछ बात मैं बता नहीं पा रहे, रोज़ाना जो चलता है वो बता सकते, लेकिन बाकी कोई भी बात नहीं बता पाए। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम। लेकिन कोई क्लोज फ्रेंड नहीं है, कोई ख़ास दोस्त नहीं है, बेस्ट फ्रेंड नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाह रहा। मे बी इट इज़ माई फॉल्ट दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर। हो सकता है मेरी गलती है, मैं किसी दोस्त से मेरी बातों को शेयर नहीं किया, या बात जो दोस्तों से ज़्यादा बात करना नहीं चाहते और मुझे दोस्त चाहिए, तो ऐसा दोनों तो हो ही नहीं सकता है। अगर दोस्त बनाना है तो उसे मस्ती से बोल के अपनी सारी बातें शेयर करते हैं, तब सामने वाला हाँ ये मेरी अच्छी दोस्त है ये माने। हो सकता है मेरी गलती। कन्फाइड मीन्स टू शेयर पर्सनल प्रॉब्लम्स, पर्सनल थिंग्स, हमारा जो व्यक्तिगत बातें हैं वो उसे शेयर करने के लिए कोई चाहिए।
हम सारी बातें अपने दोस्तों को बताते क्योंकि वो बेस्ट फ्रेंड है। लेकिन मेरा एडवाइस यही है, कभी भी हमारी पूरी सीक्रेट किसी को नहीं बताना है, क्योंकि वही चीज़, वही दोस्त, वही पर्सन कभी हमारे खिलाफ हो सकता है। इसलिए अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, साइकोलॉजी के आधार पर देखा जाए, वी कैन शेयर 75% पर्सनल थिंग्स, 75% पर्सनल थिंग्स टू अदर्स। एंड वी हैव टू कीप 25% विथ अस, 25% हमारे पास रखना है, क्योंकि कोई धोखा दें तो भी 25% से हम जी सकता है। इसलिए अगर कोई अपने दोस्त को पूरी बात बताना चाहते हैं, डोंट से 100%, कीप समथिंग फॉर यू, वरना हम किसी ऐसे स्थिति आ जाएं तो हम पूरी तरह डूब जाएगा। सो बी केयरफुल। लेकिन ये कहती है बस मेरी गलती भी हो सकती है, क्योंकि मैं ज़्यादा किसी से बात करना नहीं चाहा। इन एनी केस दैट इज़ जस्ट हाउ थिंग्स आर, एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लाइबल टू चेंज। बात तो सही है, एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लाइबल, लाइबल मीन्स रिस्पॉन्सिबल टू चेंज। मेरा बदलाव के लिए वो मदद नहीं किया, यूं बोलने का कोई अधिकार मुझे नहीं है, क्योंकि मैंने उसे कुछ शेयर नहीं किया। अगर हम कुछ शेयर करें तभी तो सामने वाला बताएं, तो ऐसा नहीं है, ऐसा करना है, ऐसा है, इसमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, भी हमें सांत्वना मिलता है। लेकिन हम तो कभी किए ही नहीं, तो और आगे से बोलते हमारा कोई दोस्त नहीं है। आप लोगों की पता है कि दोस्ती कैसा करते हैं, दोस्ती बनाने के बाद कभी झगड़ा, कभी कुछ, कभी कट्टी, बस यही हमारे जीवन में भी हो जाता। कुछ लोगों की आदत ऐसा है कि दूसरों को कुछ बताते नहीं, चुप रहते हैं, वो हमेशा टेंशन में रहते हैं। कुछ लोग ऐसा होता है कोई बात दूसरों को नहीं बताए तो बहुत खुश रहते हैं। दिस आर ऑल नेचर्स थिंग्स, ये सब प्रकृति का खेल है। एंड दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी, इसलिए मैंने सोचा मेरी सारी बातें मैं डायरी को बता दूँ। डायरी को बताऊँ मीन्स डायरी में लिखूँ, इसलिए मैं डायरी लिखा, वरना तो मैं डायरी भी नहीं लिखता। टू एनहेंस्ड इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन, ये जो कल्पना मैं डायरी को मेरा दोस्त बनाऊं, टू एनहेंस द इमेज, इमेजिन है हम कहते हैं ना आइकॉन, कल्पना चित्र, टू एनहेंस, एनहेंस है ना इम्प्रूव, सुधार करने के लिए, द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन, आई डोंट वॉन्ट टू जोट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड डू। इसको मेरा दोस्त बनाने के लिए मैंने कितना इंतजार किया, ये बताने के लिए दूसरों का जैसा एक्सप्लेन करना मैं नहीं चाहती, बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड, एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी। अगर कोई पूछे तो भी मैं कोई एक्सप्लेन करने वाली नहीं हूँ, बस मैं इतने कह सकती हूँ ये मेरा फ्रेंड है, इसको मैं किट्टी नाम रख। तो आप पूछ सकते हैं डायरी आपका फ्रेंड कैसा बन गया, ये कोई तरीका है क्या, और कोई नहीं मिला है क्या, तो इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो देर इज़ नो आंसर, आई से दिस इज़ माई फ्रेंड, एंड फ्रेंड को तो नाम तो होता होगा ना, तो इसलिए आई क्रिस्टेंड इट एज किटी, इसलिए मैंने उसका नाम किट्टी रखा। किट्टी जान लो ना क्या है, डायरी का नाम है, इस लेसन में मैंने उसका नाम किट्टी रखा। सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड ए वर्ड ऑफ माई स्टोरीज टू किट्टी, इफ आई वेयर टू प्लंच राइट इन,
कोई भी नहीं समझेंगे। मैं मेरे दोस्त को ये मेरी बातें समझाने के लिए कितना मेहनत किया। इफ़ आई वेयर टू प्लंच राइट इन टू माई कम राइट इन टू आई हैड बेटर प्रोवाइड ए ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ मच आस आई डिसलाइक डूइंग सो। मैं चाहती हूँ कि मेरा लाइफ का एक स्केच दे दूँ, एक एक्सप्लेनेशन दे दूँ, एक ड्राइंग दे दूँ, लेकिन मैं ऐसा करना नहीं चाहता है। मैं ज़्यादा मेरे बारे में एक्सप्लेन करना भी नहीं चाहती। शॉर्टली मैं जो बताना चाहता हूँ इतना ही आप लोग समझो। ये यहाँ से ध्यान से पढ़िएगा। माई फादर द मोस्ट अडोरेबल फादर माई फादर द मोस्ट अडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन डिड नॉट मैरी माई मदर अंटिल ही वॉज 36 एंड शी वॉज 25। कुल मिला के मतलब यही है। माई फादर वॉज सो अडोरेबल लवेबल एंड ही गॉट मैरिड इन द एज ऑफ 36 एंड हर मदर वॉज 25 एट दैट टाइम। फादर वॉज 36 मदर वॉज 25। फादर वॉज अडोरेबल। माई सिस्टर मार्गट पहले बताया मार्गट कितने साल की है अभी उससे बड़ी 16 साल की एक बहन थी। माई सिस्टर मार्गट वॉज बोर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926। मेरी दीदी का जन्म 1926 में जर्मनी में हुआ। आई वॉज बोर्न ऑन 12 जून 1929। 3 साल के बाद मेरा जन्म हुआ। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4। 4 साल तक मैं उसी जगह में रहे। पहले बताया ये जर्मनी में रहते थे लेकिन ये यहूदी लोग हैं। यहूदी लोग मीन्स पीपल ऑफ ज्यूविश इसराइल के रहने वाले थे। उसका जन्म वहाँ हुआ। पेरेंट्स जो है यहूदी थे उधर नौकरी करने गए हो। ये होते ज्यूविश JEWISH ज्यूविश पीपल मीन्स यहूदी लोग। यहूदी और पीपल ऑफ इसराइल। लेकिन यहाँ पर इसका जन्म कहाँ हो गया बताया जर्मनी में हुआ। दैट मीन्स पेरेंट्स वेयर देयर। सो माई सिस्टर मार्गट वॉज बोर्न इन 1926 एंड आई वॉज बोर्न इन 1929 जून 12। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4। माई फादर एमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933। 1933 में मेरे पिताजी हॉलैंड में शिफ्ट किया। माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक वेंट विथ हिम टू हॉलैंड इन सेप्टेम्बर। सेप्टेम्बर के महीने में मेरी मम्मी भी पापा के पास चली गई। वाइल मार्गट एंड आई वेयर सेंट टू एकन टू स्टे विथ आवर ग्रैंड मदर। ये जगह का नाम है ओरिजिनल प्रोनाउंसिएशन आखन होता है। कुछ लोग आचन भी पढ़ता है तो आचन नहीं है। कोई कोई किताब में आचन हिंदी में लिखा हुआ है। ओरिजिनल प्रोनाउंसिएशन आंख आंख लेकिन नॉर्मल इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन में ये आता है आखन आचन नहीं है आखन। तो हम दोनों बच्चियों को ग्रैंड मदर के पास छोड़ के वो चले गए जो
आखन में रहती थी। मार्गरेट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर, कुछ समय के बाद दीदी भी चली गई हॉलैंड में, एंड आई फॉलोड इन फेब्रुवरी, मैं भी आखिरी में उन्हीं के पास चले गए। वेन आई वॉज प्लंक्ड डाउन ऑन द टेबल एज ए बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गरेट, प्लंक्ड मीन्स पुट डाउन, दीदी का बर्थडे प्रेजेंट का रूम में मुझे पटक के रख रखा था, तो मैं भी हॉलैंड में चले गए बाद में। एंड आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मोंटेसरी नर्सरी स्कूल, पहले बोला तो 4 साल की थी, हॉलैंड में जाते ही मुझे मोंटेसरी स्कूल में भेज दिया। प्री प्राइमरी स्कूल को कहते हैं मोंटेसरी स्कूल, ये LKG UKG वगैरह आते हैं ना, नर्सरी LKG UKG, इसी को कहते हैं मोंटेसरी स्कूल। ये स्पेशल एजुकेशन बच्चों के लिए स्टार्ट किया था एक डॉक्टर, इटली की रहने वाली मरिया मोंटेसरी, शी वॉज ए फिजिशियन, उसी ने शुरू किया था ये सिस्टम ऑफ एजुकेशन, और आज भी देश में कई जगह में ये हुआ करता है। सरकारी स्कूल में नहीं होता, सरकारी स्कूल में डायरेक्ट फर्स्ट क्लास से एडमिशन है, लेकिन हम लोग सब नर्सरी पढ़े हुए, नर्सरी में ABCD वगैरह सिखाते, और फर्स्ट क्लास में सरकारी स्कूल में फर्स्ट क्लास में एडमिशन देने के लिए ABCD आता है, तभी तो फर्स्ट क्लास में लेते हैं, इसलिए ज़रूरी है तो मोंटेसरी एजुकेशन प्राप्त करें। तो यही होता है मोंटेसरी प्री प्राइमरी एजुकेशन। वो पुराना टाइम में कई तरीक़े से लोगों ने सींचा, कोई लोग पत्ते में लिख के सीखा, कुछ लोग रेत में लिख के सींचा, कुछ लोग स्लेट में लिख के सीखा, लेकिन आजकल का बच्चे डायरेक्ट कॉपी में लिख के सीखता है। तो यही है मोंटेसरी एजुकेशन। मैं वहाँ पहुँचे ही मोंटेसरी फर्स्ट में डाल दिया, मीन्स नर्सरी में डाल दिया, मोंटेसरी शुरू होता है नर्सरी में, लेकिन आजकल प्ले ग्रुप करके लोग 2.5 साल के बच्चे को 2 साल का भी ले लेते, 2 पूरा नहीं है तो भी ले लेते, और इस तरह से एडमिशन दे देते। इतने छोटे बच्चों को स्कूल में भेजा है तो क्या सीधी होगा, उनको बोलने भी नहीं आते, कुछ भी नहीं आता, 2.5 साल के बच्चे या 2 साल के बच्चों को बोलने तक सही से नहीं आएगा, वो मम्मी के आसपास घूमते रहने वाले या परिवार के साथ घूमते रहने वाले बच्चे को स्कूल में इस तरह से पटके तो क्या हाल होगा। लेकिन वहाँ के वातावरण को देख के वो भी क्या होता है, धीरे धीरे एडजस्ट होने लग जाते हैं, उसको अच्छा लगने लग जाता है। लेकिन वैसे नर्सरी से स्टार्ट है, 3 साल के, 3 साल के तो बोलने आता है, स्टैंड अप सिट डाउन वगैरह बोला है तो खड़े हो जाओ, इधर आ जाओ, सब कुछ बोला है तो समझ में आ जाएंगे। उसी एज में स्कूल में डालना लोग पसंद करता है, वो तो प्ले ग्रुप में डालने वाले के तो घर पे मजबूरी होगी, जो पेरेंट्स सर्विस करने वाले होंगे उनको सुबह नौकरी में जाना है, और घर पे लुक आफ्टर करने वाले कोई नहीं होंगे, ऐसा चीज़ में लोगों को प्ले ग्रुप में डालते। आई स्टेड देयर अंटिल आई वाज 6, उसी स्कूल में 6 साल तक पढ़े, मतलब हाँ 6 साल तक पढ़े, एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फूड 6 टाइम में, वहाँ तो फर्स्ट फॉर्म में आ जाते 6 क्लास के, हम भी रूल के आधार पर फर्स्ट क्लास में आने के लिए 6 ईयर्स पूरा होना है या 6 रनिंग होना है। मैं उस टाइम फर्स्ट फॉर्म में, द फर्स्ट फॉर्म में मतलब फर्स्ट क्लास, इन द 6th फॉर्म माई टीचर वॉज मिसिस क्यूपरस। मैं 6th क्लास में आई तो मेरे टीचर क्यूपरस थी, एंड शी वॉज द हेड मिस्ट्रेस ऑफ दैट स्कूल, वो उसी स्कूल का हेड मिस्ट्रेस थी, जो HM कहते हैं हम, छोटे स्कूल में HM होता है, सीनियर सेकेंडरी आने के बाद, सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी वगैरह आने के बाद प्रिंसिपल हो जाता। एट द एंड ऑफ द ईयर वी वेयर बोथ इन टीयर्स एज वी सेड ए हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल, लेकिन
उसी क्लास के आखिरी टाइम में जब हमें विदा होना पड़ा तो हम फेयरवेल लेते थे बिल्कुल बड़े दुख के साथ। कुछ बच्चे टीचर से बहुत जुड़ जाता है तो स्कूल छोड़ के जाते समय उसको बहुत बुरा लगता है, लेकिन जाना ज़रूरी भी है। और इस तरह से एक रिलेशन थे वो हेडमास्टर के साथ। इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंडमा फेल इल एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, सो माई बर्थडे पास्ड विद अ लिटिल सेलिब्रेशन। 1941 की बात है, पहले मैंने बोला था, नहीं बोला है तो अभी सुन ले। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में यहूदी होने के नाते जर्मनी में शरण लेके चुपके से बैठे हुए जीते हुए और लिखा हुआ डायरी है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मन के लोग यहूदी लोगों से बहुत नफरत करते थे, दोनों के बीच में बड़ा दुश्मनी थे। इनको बहुत परेशान किया, यहूदी लोगों को ऐसे परेशानी में चुपके से, जैसे हम तो अभी बैठे हैं ना लॉकडाउन में, कोई बाहर नहीं जा सकते, ऐसे 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 परेशानी में गुजरते समय लिखी हुई डायरी है ये। और पता होगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब शुरू हुआ, 1939 में, ख़त्म हुआ 1945 में। 1941 में ग्रैंडमा बीमार हो गए और कोई ऑपरेशन भी हुआ, इसलिए उस साल मेरा बर्थडे सही से नहीं मना पाए। ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942। जनवरी 1942 में ग्रैंडमा चली गई। एंड नो वन नोस हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर। किसी को पता नहीं है मैं उससे कितना प्यार करती थी और अभी भी करती हूँ। ये लोगों को बोला है तो समझ में नहीं आएंगे, वो मानेगा नहीं, इसलिए मैंने पहले ही बोला मैं ऐसी कोई बात किसी से शेयर करना नहीं चाहती। मैं इतना ही बोले, इच्छा है तो आप लोग विश्वास करो। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन 1942 वॉज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अदर्स। जनवरी में डेथ होगी, जून में मेरी बर्थडे आने वाली है, तो मैंने इंटेंडेड इरादा किया, इच्छा रखा को शानदार तरीके से मैं इस साल की बर्थडे मनाऊं। द फोर ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल, हम बिल्कुल ठीक थे यहाँ। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942 ऑन द सोलम डेडिकेशन ऑफ माई डायरी। और साथ साथ जून का ही महीने में मेरे यह डायरी रिवील करने का भी मौका मिला, क्योंकि डायरी लिखना शुरू किया, लोगों को बताने लग गया। एंड द सोलम सिंसियर डेडिकेशन कमिटमेंट समर्पण ऑफ माई डायरी, पूरी तरह समर्पित होकर मैं मेरा डायरी लिखने लग गया। यही है एक 13 साल की लड़की का डायरी लिखने का जो काम। अब डायरी में क्या लिखा है वो हमें बताएंगे, वो इम्पोर्टेंट है। यहाँ देखने वाली बात यही है, उसके जन्म कहाँ हुआ, उसके पेरेंट्स कौन कौन थे। अब ऊपर बताए मम्मी एडिथ हॉलंडर फ्रैंक, पापा का नाम बताया नहीं, पापा का नाम ओटो फ्रैंक है, ओटो फ्रैंक, OTTO FRANK, ओटो फ्रैंक पापा का नाम है। दीदी का नाम मार्गट और खुद का नाम आनी। उसका ओरिजिनल नाम आनीलिसी मेरी और शॉर्ट फॉर्म में आनी करके बोला, वही फेमस हो गए। इंट्रोडक्शन में दे रखा है फुल नेम,
वो भी पढ़ना। वो बताया 12 जून 1929 से 15 मार्च 1945 तक, यानी कि 16 साल के जीवन थी इसके जीवन में। तो उसी समय के अंदर वो लिखी हुई जो डायरी वर्ल्ड फेमस हो गई, और हमारे सामने भी ये आ गई। वो पूरी बड़ी बुक है, ये फर्स्ट फ्लाइट वाली बुक से भी बड़ी बुक है। पहले 9-10 में, 10th क्लास में जो नॉवल हुआ करता था, वो नॉवल के रूप में बच्चों को पढ़ना था, उसमें उसकी पूरी कहानी है। यहाँ तो डायरी में लिखी हुई कुछ बात हमारे लिए, तो यह शेयर किया तो पूरा नहीं है, इसलिए ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आएंगे। एक वी विल गेट ए लिटिल आइडिया फ्रॉम द लेसन। अब वो डायरी कैसा लिखा है तो उसके बारे में है, वो तो वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास। लेट अस स्टॉप हियर।